बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हम फजर किचन में बना रहे हैं ब्रेड चिकन चाइनीज़ पेटीज़। बहुत ही इजी वे में तैयार हो जाती हैं। आप इस रेसिपी को अफ्तारी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, माई ऑल रेसिपी को सिलेक्ट कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। रहमानिर्रहीम, ब्रेड चिकन चाइनीज़ पेटीज़ बनाने के लिए सबसे पहले हमने याज्जा ले लिए हैं, हाफ़ कप हमने बंद गोभी ले लिए जिनको हमने चॉप कट कर लिया है, एक प्याज लिया इसको भी हमने चॉप कट कर लिया है, एक अदद शिमला मिर्च इसकी भी हमने चॉप कट कर लिया है, एक अदद गाजर जिसको हमने स्लाइस चॉप कट कर लिया है, दो से तीन अदद हरी मिर्च, वन कप चिकन बॉयल कर लिया हमने और इसके रेशेस कर लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हमने एक फ्राई पैन ले लिया, इसमें ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल हमने ऐड कर दिया। अब इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून ज़ीरा, मिक्स कर लेंगे। कैबेज हमने ऐड कर दी है, मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्च मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे कैरेट, मिक्स कर लेंगे। प्याज ऐड कर दिए, मिक्स कर लेंगे। हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर। इसमें ऐड करेंगे चिकन, मिक्स कर लेंगे। हाफ टेबल स्पून विनीगर, वन टेबल स्पून चिली सॉस, मिक्स कर लेंगे। हाफ टेबल स्पून नमक, हसबे जायका भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून चाट मसाला, शिमला मिर्च हमने ऐड कर दी है। चाट मसाला ऑप्शनल है, अगर है तो ऐड कर दें, नहीं है तो ना ऐड करें। मिक्स कर लेंगे। अब फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया है और इस मिक्सचर को हम ठंडा कर लेंगे। ये हमने 12 पीस ब्रेड ले लिए हैं और इस तरीके से इसको हम सेंटर से तरीके से सर्कल निकाल लेंगे। इस तरीके से ये हम ब्रेड ज़ाया नहीं करेंगे, या फिर हम इनकी ब्रेड ग्राम्स बना लेंगे या फिर ब्रेड हलवा बना लेंगे। दो अदद हमने अंडे ले लिए हैं तो फेंट लेंगे। अंडे को हमने फेंट लिया है। ये हमने एक ब्रेड पीस लिया है, उसके ऊपर फिलिंग ऐड करेंगे। और उसके ऊपर दूसरा ब्रेड पीस रखेंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे। इस तरह से हमने एक और ब्रेड पीस ले लिया है, फिलिंग ऐड करेंगे इसके ऊपर। इसके ऊपर दूसरा ब्रेड पीस रखेंगे और इस तरीके से हम दूसरे तैयार कर लेंगे। ब्रेड चिकन चाइनीज़ पेटी इसी तरीके से हम दूसरी भी तैयार कर लेंगे। तो ये हमने तैयार कर लिए हैं। सबसे पहले साइडों से कोट करेंगे, फिर सेंटर से और निकाल लेंगे। हमने ब्रेड क्रम्स लिए, इसमें फिर कर लेंगे इसकी कोटिंग। तो ये हमने अच्छे तरीके से ब्रेड ग्राम में इसको कोट कर दिया है। इस तरीके से हम दूसरों को भी कोट कर लेंगे। सबसे पहले कॉर्नर्स कोट करेंगे, फिर सेंटर, फिर ब्रेड ग्राम्स कोट करेंगे। इसे हमने दूसरे वाले को भी कोट कर लिया अच्छे तरीके से। ऑयल हमारा प्री हीट हो चुका है, अब इसमें ऐड करेंगे ब्रेड चिकन चाइनीज़ पेटी। अब इनको हम पलट लेंगे, एक साइड से फ्राई हो चुके हैं। माशाल्लाह कितना सुनहरा कलर आया है। आप इस रेसिपी को अफ्तारी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
अब इनको दोबारा पलट लेंगे। तैयार हो चुकी हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे, एक्स्ट्रा ऑयल झाड़ लेंगे। चिकन ब्रेड चाइनीज़ बेटीज तैयार हो चुकी हैं, माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट तैयार हुई हैं। आप इस रेसिपी को अफ्तारी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अब मैं आपको तोड़ के बताती हूँ कि अंदर से लग कैसे रहे और क्रंच। चलो आप देख सकते हैं, हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट होती है चैनल पर फर्स्ट है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक भी शेयर हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।